नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक से। मैं वीके शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी 2019-20 की जो ये भर्ती है उसके संबंध में सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको हमारी टीम के माध्यम से मिल चुकी हैं दोस्तों। उसी क्रम में आज से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लासेस प्रारंभ की जा रही हैं। मैं वीके शुक्ला आप सभी लोगों को इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम आलोक सर के निर्देशन में आप सभी को सबसे बेहतर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको इस बात का भरोसा हम दिलाना चाहते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी की इस भर्ती में यदि हमारा और आपका साथ, हमारा और आपका कोऑर्डिनेशन यदि यूं ही बरकरार रहा, तो यदि आप हमारे साथ, हम आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा लगा के चलते रहेंगे, तो इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं दोस्तों कि वो समय दूर नहीं है जब आपके कंधों पर, आपके सर पर खंड शिक्षा अधिकारी जैसी पोस्ट का ताज रहेगा। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि आपने जिस संस्था का दामन थामा है वह वहां पर आपका फ्यूचर बिल्कुल ही सुरक्षित हाथों में है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज से भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का ये क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। कैसी हमारी रणनीति होनी चाहिए परीक्षा को लेकर, सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। बाकी सारी चीजें तो आपको हमारी टीम ने कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, चाहे आलोक सर ने, रवि सर ने या और भी जो हमारे टीम के सम्मानित सदस्य हों, उन्होंने आपको इस परीक्षा के संबंध में सारी चीजें, जानकारी जो है वो मुहैया करा दी है। इसी तारतम्यता में क्लासेस जो है वो प्रारंभ की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का जो पार्ट आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस में प्री और मेंस दोनों कवर होते हैं। पहले अभी जो क्लासेस हम लोगों की चलेंगी वो केवल प्री को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्लासेस चलाएंगे कि प्री में, क्योंकि प्री हमारा कैसा होता है, वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्री में हमारे पास विकल्प रहते हैं, चार ऑप्शन रहते हैं, चार में एक को हमें टिक करना है। और यदि हम प्री की परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर मेंस में जब हम आएंगे तो मेंस हमारा रहता है सब्जेक्टिव, मीन्स लिखने का। जैसे सपोज करिए एग्जांपल, यदि प्री में पूछा जाए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्निहित होता है, तो वहां पर आपके सामने विकल्प रहेगा अनुच्छेद 21, 22, 23, 24, इस तरह से करके कुछ विकल्प आपके सामने होंगे। तो जो सही विकल्प होगा उसे आपको टिक करना है। लेकिन मेंस में यदि यही चीज कर दिया जाए कि प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए, तो वहां पर फिर हमको लिखना है अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 का इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, उसकी व्याख्या क्या कहती है। उसके सपोर्ट में यदि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय होते हैं तो उन न्यायिक निर्णयों को भी हमें कोट करना आवश्यक होता है। तो ये तो हमारी रणनीति रहती है कि चलिए हम मेंस कैसे लिखेंगे, वो हमारी बात की बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है उसके संबंध में जो भी डिटेल है वो स्क्रॉल बार में आपके सामने चल रहा है। वहां से सारी जानकारी आपको एक मैसेज करना, एक नंबर दिया जा रहा है आपको, उस नंबर पर आपको मैसेज करना, और मैसेज करने के बाद आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या प्रक्रिया रहेगी इस एडमिशन की वो आप पता करके उसके बाद फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करने से पहले हम आपके लिए छोटा सा जो है एक मोटिवेशनल चीज बताएंगे दोस्तों, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती वो हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। यदि किसी भी परीक्षा में, आप जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने जा रही है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोजित कराएगा, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यदि कोई परीक्षा कंडक्ट कराता है तो उसका एक अपना स्तर होता है ना।
उस स्तर पर आने के लिए हमें और आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक। मेहनत, पेशेंस, धैर्य और इन तमाम चीजों का जब मिश्रण होता है तभी हम जाके अपने लक्ष्य को पाने में सफलता अर्जित करते हैं, ठीक है। तो हमें पेशेंस नहीं हारना है, हमें धैर्य का परिचय देना है और धैर्य का परिचय देने के साथ साथ ही हमें अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसित होना है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की इस क्लास में आज हम जो अध्ययन अब हम लोग करेंगे, वो डेली जो हम लोगों का लेक्चर रहेगा, वो भारत की संविधान का जो हिस्सा है, मींस चैप्टर वाइज, भारत के संविधान का जो हिस्सा है वो चैप्टर वाइज हम एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे और एक एक चैप्टर की जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहेंगे, जो भी उनके अंदर की चीजें रहेंगी, उनको हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे और उन पर किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, इन बातों पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, है ना। तो किस तरीके से हमें प्रश्न बनते हैं, किस अनुच्छेद से कैसे प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं, किन प्रश्नों को हमें किस तरीके से हल करना है, इन तमाम चीजों पर दोस्तों हम लोगों की चर्चाएं चलेंगी। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं बेटा जो वो निगेटिव फॉर्म में होते हैं, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो नेगेटिव जो प्रश्न होते हैं, जो नकारात्मक प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हल करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, इन बातों पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इन बातों को भी समझना, इन बातों को जोड़ना, इन बातों को इकट्ठा करना, कैसे इन चीजों को हम एक साथ क्लब करेंगे, कैसे हम आंसर को निकालेंगे, इन चीजों पर भी हम लोगों की चर्चाएं क्लास के दौरान ही चलती रहेंगी। क्योंकि जो नकारात्मक स्वरूप का प्रश्न होता है दोस्तों, उन प्रश्नों को हल करने का एक अलग तरीका होता है। कई बार हमारे पास जो है, हमारे मन में आंसर तो रहता है, लेकिन हमारे मन में आंसर सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन हम उस चीज को गौर नहीं करते और बाद में पता चला जब एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं तो हमें पता चला यार हमने तो जो है ऑप्शन क्वेश्चन नहीं का पूछ रहा था और हम टिक लगा आए हैं हाँ का। उन्होंने पूछा निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं है, ठीक है। अब हमने नहीं है का की जगह हमने है पढ़ लिया, हमने ध्यान नहीं दिया और जो ऑप्शन नहीं लगाना था वो ऑप्शन पर हमने टिक कर दिया। ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, तमाम चीजें जो हमें परीक्षा के दौरान ध्यान रखनी है, उन पर भी हम लोग इस क्लास की चर्चा के दौरान ही, इस क्लास की जो हमारी स्टडी चलेगी उस स्टडी के दौरान हम इन बातों पर भी आपसे रूबरू होते चलेंगे, इन बातों पर भी हमारी और आपकी चर्चा जो है वह चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान की एक रूपरेखा, ठीक है। भारतीय संविधान का एक रूपरेखा आपके सामने रखते हैं हम कि भारत के संविधान को हम कैसे पढ़ेंगे, भारत के संविधान को हम किन तरीके से अध्ययन करेंगे कि हमारा कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजों को हम कवर कर सकें, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो जो किसी भी देश का संविधान होता है दोस्तों, वो कोई एक दिन की उपज नहीं होती है। भारत का संविधान भी कोई एक दिन की उपज नहीं है कि भारत का संविधान हमने आज बैठे और कल बना के रख दिया हम, ठीक है। भारत का संविधान भी एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, बहुत ही लोगों की कुर्बानी देने के बाद, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देने के बाद देश का संविधान बनकर तैयार हुआ है। भारत के संविधान को बनाने में हमारे देश के जो नीति निर्माता थे उन्होंने हर उन चीजों का विशेष ध्यान रखा जिस पर भारत में एक राम राज्य की संकल्पना को साकार किया जा सके। ना तो कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो, ना किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए, इन तमाम चीजों को, इन तमाम मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे भारत के संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया है, ठीक है। चलिए भारत के संविधान के निर्माण की यदि जहां बात आती है तो भारत के संविधान के निर्माण में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे देश का जो संविधान था उस संविधान का विकास कैसे हुआ,
किन किन चरणों में भारत के संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है वह कैसे प्रारंभ होता है, क्योंकि भारत के संवैधानिक इतिहास का भी एक पोर्शन आपका जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ही कवर होता है कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ। तो जो संवैधानिक डेवलपमेंट है इसको आप दोनों जगह पढ़ेंगे, एक तो आप संविधान में जब नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी कवर होता है, और उसके साथ साथ आपका इंडियन पॉलिटी जो है नहीं, भारतीय संविधान का जो हिस्सा है वो भारतीय संविधान का हिस्सा भी हमारा यहीं से प्रारंभ होता है कि भारत के संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कैसे भारत का संविधान बना, किन किन चरणों में बनता चला गया, कैसी चीजें आती गई, उसके बाद उनमें जो महत्वपूर्ण समय और परिस्थितियों के अनुसार उनमें जो महत्वपूर्ण संशोधन थे या महत्वपूर्ण जो उनमें कुछ कमियां थी उन कमियों को उन दोषों को दूर करते हुए धीरे धीरे करते करते हमारे संविधान का जो है वो निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, हम जानते हैं कि भारत कैसा देश था। हमारा देश एक गुलाम देश था, अंग्रेजों का शासन था। भारत में व्यापार करने के पर्पज से बहुत सारे विदेशी जो है वो भारत में आए व्यापार करने के पर्पज से, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहते थे कि भारत में अपार धन संपदा थी। उस धन संपदा को ले जाने के संबंध में, को लूटने के संबंध में बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी भारत में हुए। आप इतिहास में भी पढ़ेंगे तो महमूद गजनवी का नाम आता है, तमाम प्रकार की जो ये अरब से या मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने भारत पे कई बार आक्रमण किया, और कई बार आप जानते होंगे कि महमूद गजनवी ने कितने 16 बार भारत पर आक्रमण किया, 17 बार, और तमाम भारत की संपदा को लूट कर ले गया। जो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था वो उसको लूट कर ले गया, तमाम संपदाएं। तो भारत में जो व्यापार करने के लिए तमाम विदेशी आए, चाहे वो डच हों, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, ये सभी लोग धीरे धीरे भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन उनमें से सब धीरे धीरे वापस चले गए, लेकिन अंग्रेज जो थे, इंग्लैंड के जो निवासी थे अंग्रेज जो थे वो भारत में रह गए। और सन 1600 में उन्होंने जब व्यापार करना शुरू किया तो व्यापार के साथ साथ इन्होंने क्या किया, सन 1600 में भारत में जो व्यापार कर रहे थे उस व्यापार को रेगुलेट करने के लिए सूरत में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की भारत में। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की भारत में, तो उस समय जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का पर्पज जो था वो मात्र व्यापार को रेगुलेट करने का था। भारत में जो व्यापार हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उस व्यापार को रेगुलराइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती गई, भारत में अपनी जड़ें जमाती चली गई, और बाद में वो क्या करने लगे, भारत पे गवर्नेंस करने लगे, भारत पर शासन करने लगे। तो यदि हम परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए या अध्ययन को दृष्टिगत रखते हुए भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास है, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो हम बांट सकते हैं दोस्तों कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का शासन था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का शासन था, मींस सन 1773 से लेकर 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये रेगुलराइज होना शुरू हुआ, कानूनों का निर्माण शुरू हुआ वो 1773 से 1853 तक। उसके बाद 1853 के बाद भारत में आप जानते हैं सन 1857 में क्रांति होती है भारत में, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। तो जब 1857 में क्रांति हुई तो हालांकि वो क्रांति बहुत सफल तो नहीं हो सकी, लेकिन भारतीयों में कहीं ना कहीं उसने एक अग्नि, एक ज्वाला का काम किया भारत में, और कहीं ना कहीं उन चीजों से अंग्रेज भी प्रभावित हुए। अंग्रेज ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक समिति का गठन किया और उन्होंने कहा कि जो ये इस तरह की जो घटना भारत में घटी है उसके संबंध में आप विचार करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट देने के बाद जो रिपोर्ट में आया उसका खुलासा ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के
कुशासन का परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में हुआ था। तो जब ये चीज ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंचती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन का ही परिणाम 1857 की क्रांति है, तो उन्होंने क्या किया, सन 1858 में भारत में विदेश सचिव के एक पद का सृजन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। मीन्स सन 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके हाथ से शासन लेकर वो शासन कहां दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत दे दिया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन जो था वो भारत पर शासन करेगा। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यदि शासन की हम बात करते हैं तो सन 1858 से लेकर सन 1947 तक, यानी भारत के विभाजन तक जो है वो शासन किसका था, इस ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन, इन शासन काल में जो महत्वपूर्ण अधिनियम बने हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिनियम बने हैं, उन अधिनियमों में कौन कौन से ऐसे अधिनियम हैं जो महत्वपूर्ण हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। आ जाइए यहां पर, देखिए आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है बेटा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा एक्ट आया, 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासन था, इसके पहले के जो भी एक्ट है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे 1600 का राजलेख है, ठीक है, ये तमाम प्रकार की जो एक्ट बीच में है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो सुनियोजित जो गवर्नेंस की बात हम करते हैं, वो गवर्नेंस हमारा प्रारंभ होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया, तो हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बाद जो डिटेल की क्लासेस हमारी चलेंगी तो हम बताएंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए या भारत में कौन कौन सी चीजें ऐसी की गई जिसका इंपैक्ट भारत की गवर्नेंस पर पड़ा था, भारत की शासन प्रणाली पर पड़ा था। चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके द्वारा भारत में न्याय व्यवस्था में सबसे पहला कदम उठाया गया, वो ये उठाया गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले भारत में की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कब की गई, किस सन में, 1774 में की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में की गई। उस समय उस उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, तीन न्यायाधीश, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। लेकिन वो जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया उससे अपील का जो प्रावधान था, उन्होंने कहा कि यदि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अपील, कोई मामले में निर्णय दिया है तो उस मामले से जो निर्णय होगा उसकी अपील आप कहां कर सकते थे, उसकी अपील प्रिवी काउंसिल, यानी इंग्लैंड में उसकी अपील होती थी। ठीक है, उसी तरीके से हम 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। तो 1784 का जब हम पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि 1774 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान लाए गए, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ले आए गए, क्या क्या से है, कौन कौन से ऐसे आमूलचूल परिवर्तन थे भारत की जो गवर्नेंस सिस्टम थी, भारत का जो शासन प्रणाली थी उसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए। ठीक, फिर उसके बाद आता है बेटा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट जब आता है तो 1813 के चार्टर एक्ट के बाद हम देखेंगे कि 20-20 साल के लिए, देखिएगा यहां से आपको दिखेगा 20-20 साल के लिए गवर्नेंस जो है वो बढ़ाते चले गए हैं। ठीक है, यहां से देख लीजिए आप, 1784 से देखिए, यहां से 20 साल के लिए बढ़ा, 20 वर्षों के लिए, फिर 1813 से 33, फिर यहां पर 20 वर्षों के लिए शासन काल बढ़ाते गए, 53 से फिर
53 यहां पर भी 20 वर्षों के लिए। तो शासन जो था, जो एक्ट लाया जाता था, उस एक्ट के द्वारा शासन की जो प्रणाली थी, शासन की जो नीतियां थी, उन नीतियों को क्या करते गए, ये धीरे धीरे बढ़ाते चले गए 20-20 वर्षों के लिए। लेकिन इन 20 वर्षों में यदि कोई ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन आता था या ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीजें आती थी तो उसके संबंध में एक अलग से कानून बना दिया जाता था। लेकिन इनके द्वारा क्या 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 किया जाता था, जैसे 1853 का चार्टर एक्ट है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे मान लीजिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत में जो आईएएस सिस्टम था, इंडियन सिविल सर्विस का जो सिस्टम था, उसकी भारत में परीक्षा कराना शुरू किया गया पहली बार भारत में किस अधिनियम के द्वारा। तो ये सारी महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा, महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आते हैं, आपको परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इनमें से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर परीक्षा का यह प्रश्न बनता है कि किन किन एक्ट से, हम आपको वो सारी चीजें कवर अप करने का प्रयास करेंगे इस क्लास में, बीईओ के खंड शिक्षा अधिकारी की इस क्लास में, कि जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो जो भी प्रश्न, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में पूछा गया हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में पूछा गया हो, या कहीं पर भी कोई परीक्षा हुई हो, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसमें रेज होंगे, उत्पन्न होंगे, उन सभी पर हम एक डिटेल चर्चा अपनी क्लासेस में करते चलेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं कि परीक्षा भी, जो प्रारंभिक परीक्षा, उसकी कोई तिथि घोषित नहीं की गई है, फिर भी संभावना है कि मार्च और अप्रैल के आसपास आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। तो आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च, यदि अप्रैल में एग्जाम जाता है तो मान लीजिए आपके पास 75 से 80 दिन का समय हमारे पास रहेगा प्री की परीक्षा के लिए, जो मोर देन सफिशियंट होता है। यदि आप हमारे साथ रेगुलर वे में पढ़ते चलेंगे, रेगुलर तरीके से आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक भी प्रश्न जो भारतीय राज व्यवस्था और संविधान का होगा, वो कहीं से भी गलत नहीं होगा। इस बात का चैलेंज है मेरा, कहीं से भी एक भी प्रश्न मेरी अगर क्लास के बाहर नहीं जा सकता है, इस बात का मेरा चैलेंज है। कहीं से भी कोई प्रश्न, यदि वो पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था और संविधान का पूछते हैं, तो आप उठाकर देख लीजिएगा, जितने लेक्चर आपके रहेंगे उन लेक्चर और जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उस नोट्स के अंदर ही रहेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी दोस्तों, कर कुछ कर गुजरने की जिम्मेदारी आप पर रहेगी, तो ये मान के चलिएगा बहुत ही सुनहरा मौका है खंड शिक्षा अधिकारी बनने का। मीन्स आप यदि एक शिक्षक हैं तो आपको शिक्षकों का अधिकारी बनने का बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपको दिया है। तो अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, खर मैदान फतेह। मीन्स इस बार 2020 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आया, इस मौके को बुनाना है किसी भी तरीके से, ये मौका हमारे हाथ से ना जाने पाए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बिल्कुल सतत और लगातार बने रहिएगा। आपके जितने भी प्रश्न बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में रहेंगे, वो कहीं से भी यहां से बाहर नहीं जाने वाले दोस्तों, बिल्कुल श्योर रहिएगा, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। बहुत ही जो है सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर मिलेंगी। ठीक है, कहते हैं किसी शायर ने कहा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगी, रख हौसला वो मंजिल भी आएगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, न थक न हार बैठ के ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हौसले को कम नहीं होने देना है, चलते रहना है। ये मान के चलिएगा कि यदि आप मैदान में डटे हैं, हवाएं भले भी विपरीत हों, यदि एक बार आप सीना तान की हवाओं के साथ खड़े हो गए, तो एक बार जब हवा चली जाएगी तो उसके बाद फिर मंजर बिल्कुल सामने आपके क्लियर होगा दोस्तों।
मैदान में जो डटा रहेगा, सफलता उसी के सर पर परचम लहराएगी, सफलता उसी के कदमों को चूमेगी। लेकिन यदि आप हार गए, आप थक गए, या आपने किसी तरीके से मैदान को छोड़कर भागने का प्रयास किया, तो फिर आप मान के चलिए कि यू आर गोइंग टू फेल, आप असफल होने जा रहे हैं। तो यहां पर ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी चीजें आपके प्रश्न पत्र में आएंगी वो इस क्लास के बाहर की नहीं होंगी बेटा, इस नोट्स के बाहर के नहीं होंगे, इसलिए आप हमारे साथ बिल्कुल बले रहना है और मिले रहना है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है वह परिवर्तन किया गया भारत की गवर्नेंस में। फिर उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद फिर चूंकि शासन को 20 वर्षों के लिए 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ा दिया गया था, लेकिन सन 1857 में ही क्रांति हो गई। क्रांति के कारण क्या थे वो हम सभी जानते हैं। चलिए एक संक्षेप में थोड़ा बता देता हूं कि जो इनफील्ड राइफल होती थी चलाने के लिए कारतूस, तो उस समय जो कारतूस होता था उसके ढक्कन को तोड़ने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। तो किसी ने सिपाहियों को बता दिया कि वो जो कारतूस का ढक्कन बनाया जा रहा है वो गाय और सुअर की चर्बी से बन रहा है। इस बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम जो है वो भड़क गए। उन्होंने कहा हम कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और धीरे धीरे ये जो है जो विद्रोह था, ये विद्रोह धीरे 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 करते हुए पूरे देश में फैल गया। जब पूरे देश में फैल गया तो इस विद्रोह को हालांकि एक वर्ष के अंदर ही जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने दबा दिया, लेकिन इस बात से इस जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह से बहुत बड़ा संदेश जो है वह इंग्लैंड की पार्लियामेंट को पहुंचा था। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने उसके ऊपर एक संसदीय समिति का गठन किया और उन्होंने इसके पीछे के जो कारण थे उन कारणों को जानने का प्रयास किया। तो जब उन कारणों को जाना उन्होंने, तो उन्हें पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन का परिणाम जो है वो 1857 की क्रांति है। उसके बाद 1858 में उन्होंने क्या किया कि भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकालकर उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। और ब्रिटिश क्राउन ने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1858 का निर्माण किया, जिसके द्वारा भारत में एक भारत सचिव पद का सृजन किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सचिव पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो भारत सचिव पद का सृजन जो है 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता 1861 का, 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, फिर जिसे आप मॉन्टेमेलो सुधार कहते हैं, फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। आज जो हमारा भारत का संविधान बना हुआ है दोस्तों, उसके बहुत सारे पार्ट जो है वो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का दिया गया है, इसके 250 से ज्यादा अनुच्छेद ऐसे थे जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। वर्तमान समय में जो भारत का आज संविधान है उसके 250 से ज्यादा अनुच्छेद हमारे जो है वो भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। उसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और कैबिनेट मिशन के आधार पर उन्होंने भारत के संविधान की निर्माण की रूपरेखा तय की। और इसी के साथ साथ माउंटबेटन योजना आती है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना लेकर आते हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की थी, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन योजना कहा जाने लगा। भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारे का आधार था वो जो है कौन सी योजना थी, वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी जो 1947 में आई थी। माउंटबेटन योजना को जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तो भारत और पाकिस्तान दो पृथक राज्य जो है, पृथक देश बन गए, पृथक राष्ट्र बन गए। और उसके बाद सन 1947 से भारत के संविधान की रूपरेखा बननी तैयार हुई। भारत के संविधान
फिर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा में संविधान के ऊपर वाचन किए गए और कुल मिला के 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। भारत के संविधान के कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, लेकिन शेष प्रावधानों को 26 जनवरी सन 1950 से लागू करके भारत में पूरी तरीके से गणतंत्र लागू कर दिया गया। भारत में एक गणतंत्र की स्थापना की गई। कब? 26 जनवरी सन 1950 से। इसीलिए भारत में 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 से भारत के संविधान के संपूर्ण प्रावधानों को पूरी तरीके से लागू करके भारत में गणतंत्र राज्य की जो है वो स्थापना की गई। ठीक है, तो भारत के संवैधानिक विकास का जो ये टॉपिक था हमारा, वो इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की। आज ये भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की पहली क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आएगी। और जो भी चीजें हैं खंड शिक्षा अधिकारी की इस क्लास में, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की ये जो क्लास थी, इसमें हमने संवैधानिक विकास के चरणों की विवेचना की है कि भारत के जो संविधान का विकास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था, वो कैसे हुआ था, उस पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से भारत के संविधान का विकास हुआ था। फिर इसके बाद विकास के चरणों में हम अगली क्लास में देखेंगे कि एक एक अधिनियम के बारे में हम विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे कि चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1947 की माउंटबेटन योजना हो, क्रिप्स मिशन हो, अगस्त प्रस्ताव हो, 1909 का भारत शासन अधिनियम हो, 1919 का हो, मीन्स जितने भी अधिनियम अभी आपने देखे इस क्लास में, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।